अब मैं इस प्रोग्राम की कार्रवाई को आगे बढ़ाता हूं। आज के हमारे मेहमाना ने खुसूसी में हजरत मौलाना डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद आजम साहब कासमी दामदरकात हो, ये हमारे इलाके के काबिल तरीन आलिम दीन हैं। अल्लाह ने बहुत सी सलाहियतों से उनको नवाजा है। अभी कुछ चंद महीनों पहले इन्होंने पीएचडी भी की है और अभी कुछ हफ्तों पहले उम्र से इनकी वापसी भी हुई है। मैं बड़े अदब एहतराम से हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आजम साहब कासमी दामत बरकातों से गुजारिश करूंगा कि वो अपने ख्याल का इजहार करें। डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा भाई? मोबाइलों का बड़ा हो पड़ा है, क्यों हो रहा है? चला रहा है क्या? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्या बाद। मुझे हुक्म मिला है कि चंद गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश करूँ, लेकिन उसी के साथ मुझे इस बात का एहसास है कि हम सुनने के लिए और प्रोग्राम की दर्ज़ोबायत को मालूम करने के लिए अपने अकाबिर से बुजुर्गान दीन से अल्लाह वालों से सुनें। ये तो मुकदमे के तौर पर प्रोग्राम की शुरुआत में मुझे खड़ा कर दिया गया। मैं हजरत मौलाना उस्मान फैसल साहब कासमी दामत बरकातुहु और उनके साथ में जितना ग्रुप है उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये वक्त की बहुत अहम तरीन ज़रूरत है। हज और उम्रे के सिलसिले में कौम की मिल्लत की रहबरी रहनुमाई की जाए, और ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो ये सफ़र इश्क मोहब्बत का सफ़र होता है, रूहानी ताल्लुक का सफ़र होता है। इसलिए मैं तो सुनने के दर्द से यहाँ पर आया, लेकिन चूंकि हुक्म की तामील भी ज़रूरी है तो चंद दिन पहले हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के रोज़े के बाजू बैठकर एक नाते पाक लिखा। मैंने मौलाना उस्मान फैसल साहब कासमी से गुजारिश की कि बातें तो हम सुनते हैं इंशाल्लाह, वो नातिया कलाम अगरचे आवाज़ उस काबिल नहीं है क्योंकि मुफ्ती खालिद शाकिर साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं और उनके सामने अपनी आवाज़ को पेश करना, मैं समझता हूँ कि आवाज़ की दुनिया में एक बड़ी मुश्ताकी तस्वर की जाती है, लेकिन चूंकि वो कैफियत के साथ में जो नात मैंने उसे रसूल के बाजू में बैठ कर लिखी बरचस्ता 5-7 मिनट में और उसको वहीं पर पढ़ा आपकी खिदमत में भी इसी तस्वर के साथ में आप सुनने की जहमत उठाएं, ऐसा समझे कि आप भी हम भी मदीने पाक में हुजूर के रोजे के बाजू बैठे हुए हैं और अपने हाल ही को हुजूर को सुना रहे हैं। उससे पहले 4 मिसरे। तेरे फजल से मेरा फन महके, तेरे फजल से मेरा फन महके, ऐसी खुशबू दे के चमन महके, इसमें आजम के सदके में मौला शेर महके, मेरा सुखन महके, शेर महके, मेरा सुखन महके। नाते पाक उसके चला शान है। हाले दिल अपना सुनाने को मदीने आए, हाले दिल अपना
सुनाने को मदीने आए, हाल दिल अपना सुनाने को मदीने आए, गम को हल्का ही नहीं गम को मिटाने आए, गम को हल्का ही नहीं गम को मिटाने आए, हाजरी के लिए हर साल बुलाना तैबा, हाजरी के लिए हर साल बुलाना तैबा, यही तमन्ना है दिल की जो सुनाने आए, यही तमन्ना है दिल की जो सुनाने आए, मेरा तो कुछ नहीं सब कुछ है तुम्हारा आका, मेरा तो कुछ नहीं सब कुछ है तुम्हारा आका, तुम्हारा सदका जो खाते हैं वो खाने आए, हाले दिल अपना सुनाने को मदीने आए, खुदा के वास्ते दामन में छुपा लो मुझको, खुदा के वास्ते दामन में छुपा लो मुझको, मेरा वजूद मिटाने को समाने आए, मेरा वजूद मिटाने को समाने आए, हाले दिल अपना सुनाने को मदीने आए, डूबती कश्ती को साहिल के किनारे करना, डूबती कश्ती को साहिल के किनारे करना, वरना सभी मेरी कश्ती को डुबोने आए, वरना सभी मेरी कश्ती को डुबोने आए, खुदा रा सबको ये कह दो के सताए ना इसे, खुदा रा सबको ये कह दो के सताए ना इसे, खुदा रा सबको ये कह दो के सताए ना इसे, मेरे गुलामों को सुन ले जो सताने आए, मेरे गुलामों को सुन ले जो सताने आए, हाले दिल अपना सुनाने को मदीने आए। आखिरी शेर है, सुकूने दिल के लिए तुझको बुलाया आजम, सुकून दिल के लिए तुझको बुलाया आजम, सुकून दिल के लिए तुझको बुलाया आजम, गम ना कर मेरे बुलाने पे मदीने आए, गम ना कर मेरे बुलाने पे मदीने आए, हाले दिल अपना सुनाने को मदीने आए, गम को हल्का ही नहीं गम को मिटाने आए। सलाम।